कुरुक्षेत्र के शाहबाद के गांव यारी में जजपा विधायक रामकरण काला से हुई धक्का मुक्की का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। दरअसल बीते दिन हुई धक्का मुक्की के बाद 20 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो वहीं पर एक किसान की गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद किसान की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने महापंचायत की और कोरोना गाइडलाइंस को ठेंगा दिखाकर सैकड़ों किसानों ने शाहबाद थाने का घेराव किया। थाने के सामने डटे हुए किसान दो टूक बात कहते रहे कि जब तक गिरफ्तार किसान पंकज की रिहाई नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आपको बता दें, कृषि कानूनों को लेकर सरकार के मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के नेताओं का विरोध किसानों की तरफ से लंबे समय से किया जा रहा है और इसी के चलते जननायक जनता पार्टी के शाहबाद से विधायक रामकरण काला का किसानों ने गांव यारी में जबरदस्त विरोध किया था। शाहबाद के विधायक रामकरण काला गांव यारी में एक पंचायत में शामिल होने गए थे, जहां पर किसानों ने उनका जमकर विरोध किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को वहां पहुंचकर बीच बचाव करना पड़ा। किसानों ने जननायक जनता पार्टी के विरोध में और विधायक रामकरण काला के विरोध में नारे लगाए, जिसके बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि कुछ किसान रामकरण काला की गाड़ी के सामने बैठ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शाहबाद के विधायक को मौके से बाहर निकाला और इसी के चलते 20 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक किसान की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसके बाद नाराज किसानों ने महापंचायत की और शाहबाद थाने का घेराव किया और धरना लगातार जारी है। लेकिन वहीं पर एक बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना काल में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जब तक गिरफ्तार किए गए किसान की रिहाई नहीं होगी तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अधिकारियों से इस बारे में चर्चा हुई कि पंकज को किस टाइम छोड़ोगे, तो अभी वो उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और अधिकारियों से बात करने के बाद ही कोई फैसला देंगे। और किसानों का जो फैसला था दो टुक हमने बता दिया है कि जब तक पंकज नहीं आएगा तब तक जो है हमें जगह दे दिया जाए, कहां हम धरना चलाएं। पंजाब की सीटीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।